कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव चरम पर है। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर को अपना नागरिक बताते हुए ये कहा कि भारत के एजेंट्स ने निज्जर की हत्या कनाडा में की है। ट्रूडो ने कहा कि ये कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा से भारत विरोधी खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स पर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन इस विवाद के पीछे पाकिस्तान और ISI कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बता दें कि ISI हमेशा से खालिस्तानियों की हथियार और पैसे से मदद करता आया है। बब्बर खालसा, दल खालसा जैसे कई आतंकी संगठनों के आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। अब कनाडा भी खालिस्तानी आतंक का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन इस सबके पीछे पाकिस्तानी ISI कनेक्शन की बात खुलकर करनी जरूरी है। बता दें कि आउटलुक पत्रिका ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 5 दिन पहले कनाडा में ISI एजेंट्स ने वैंकूवर में कई खालिस्तानी संगठनों के नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल था। इस मीटिंग में प्लान के नाम की रणनीति तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान और ISI शुरुआती दौर से ही खालिस्तानियों की फंडिंग करते आए हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे हजारों फेक अकाउंट्स हैं जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं और युवाओं को बरगलाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। कनाडा में भी भारत विरोधी प्रदर्शन करने के लिए ISI फंडिंग करता है, ऐसे कई सबूत अतीत में भी सामने आ चुके हैं। बता दें कि 29 सितंबर 1981 को खालिस्तानी गुट दल खालसा के संस्थापक गजेंद्र सिंह ने 5 लोगों के साथ मिलकर इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर उसे लाहौर में उतरने पर मजबूर कर दिया था। इन आतंकियों ने बदले में जर्नैल सिंह भिंडरावाले सहित कई खालिस्तानियों की रिहाई की मांग की थी। आज भी गजेंद्र सिंह सहित कई भारत विरोधी आतंकी पाकिस्तान को सुरक्षित ठिकाना बनाए हुए हैं, लेकिन अब भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खालिस्तान और ISI यानी खालिस्तान और पाकिस्तान के नेक्सस को बेनकाब कर रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।